13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। तूतकिन मर चुका है। ये अंदरूनी इख्तलाफात मुझे अलाउद्दीन की नजरों में बिल्कुल गैर फाल कर देंगे और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे दवा दे दी है मैंने, सुबह तक नहीं उठने वाला वो, लेकिन ये दवा उसकी जान भी ले सकती है भाई। अगर जरूरत पड़े तो उसे हमेशा के लिए सुला दो, गहरी नींद सुला दो। ये साबित हो गया कि मेरा भाई और उसके साथी इस घिनौने अमल में शामिल है तो ना मैं सलजूक अदालत के फैसले का इंतजार करूंगा और ना ही आप सबके बरहक इंतकाम का। उसे खुद अपने हाथों से मैं अंजाम को पहुंचाऊंगा। चलो साथ कबीले वापस चलो, हमें पहले एहतसाब करने दो। ये मुमकिन नहीं, मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से पकड़ कर लेके जाऊंगा, समझे? बहुत जल्द इंशाल्लाह इस मसनत पे आप बैठे होंगे भाई। सिर्फ इस मसनत पे बैठने से मुझे कोई सरोकार नहीं और ना ही ये बात मेरे लिए कोई अहमियत रखती है आयतोलन। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? और ये जो हमने इतनी मेहनत की और वो सारा कत्लो गारत किस मकसद के लिए था? मैंने कोनिया में देखा है, नया दस्तूर बनने जा रहा है दुनिया का, और उस नए दस्तूर में रेवड़ चलाने वाले खानाबदोशों की कोई जगह नहीं। हमें सलजुकों की ढाल नहीं बनना बल्कि वो हमारी ढाल बनेंगे। अब वक्त आ चुका है कि हम अपने लिए मुस्तकिल ठिकाना ढूंढ के जरखेज जमीनों पे बस जाएं। और अगर ऐसा करने में हम कामयाब ना हो पाए तो ये बदबूदार खाल हमारा कफन, ये चरागाह हमारी कब्र और ये मौसम सरमा हमारे लिए दोजख बन जाएगा। खाना बदोशी हमारी तकदीर नहीं है बल्कि शहरे कुफार में सरदारी करनी है हमें। या तो इस दुनिया में हम अपना मकाम बना ले कोई, या फिर दूसरी सूरत में मंगोलों के रहम और करम पे उनके टुकड़ों में पलते रहें। समझ में आ गई मेरी बात? दरअसल अर्तुरुल का कहना यह है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। तो पहले तुम्हारी जान उसने इसलिए बचाई कि तुम्हारा एतमाद हासिल कर सके, और वो इसमें कामयाब भी हो गया। मैंने नोयान के पालतू को अपने खेमे तक रसाई दी थी, नहीं मालूम वो मेरे पीठ पीछे और क्या क्या करता रहा। जिस जंग को हम शुरू करने का इंतजार कर रहे थे, नोयान तो वो जंग पहले ही जीत चुका है हमसे और हमें उसकी खबर ही ना हुई। तो आखिरकार तुम भी अर्तुरुल भाई की बात दोहराने ही लगे और आप सब मिलके उसके जख्मी हाथ को बहाना बना के उसे एक मजबूर औरत की तरह कबीले में हमसे बेजा में रखना चाहते थे।
वो जितना बाखबर करता रहा उतना ही उसे कुचलने की कोशिश की, और जब ऐसा ना हो सका तो कबीला बद्र कर दिया उसको। लेकिन तूफान आएगा ऐन कबीले के दरमियान। बताइए अब आप लोग क्या करेंगे? हाँ क्या करेंगे आप लोग? हाँ सलजान, सलजान दुरुस्त कह रही है। अर्तुरुल फिर सही साबित हुआ, मगर अब कैसे सुलझाएंगे इस कुत्ती को? वालिदा कोचबाश गद्दार है, लेकिन हम उसकी गद्दारी कैसे साबित करेंगे? हाँ कैसे? वालिदा, मैंने हिफाजत के लिए सिपाहियों को खेमे के चारों तरफ तैनात कर दिया है। बेटा ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ तो दुर्गा के सिपाही बिबरे हुए हैं, मुश्तैल हो चुके हैं, ये आग दोनों कबीलों को जलाकर राख कर देगी। क्या करता मैं? अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम लोग कबीले का ख्याल रखना। भाई अगर आप पर कोई मुसीबत आई तो हमें अपने साथ खड़ा हुआ पाएंगे। ठीक है फिर, जब मैं वहां सब ठीक कर दूं तो तुम लोग मेरे पास आ जाना। भाई गुंदोगदू भाई मुंतजर है आपके। अगर मैं हालात ना संभाल पाया तो तुम्हें खबर कर दूंगा। तुम कबीले के आसपास ही रहना। क्या तुम कबीले की खातिर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? भाई मैं अपना सब कुछ कबीले के लिए वक्फ कर चुका हूं। मैं मुंतजर रहूंगा, आज भी कल भी, लेकिन कोजाबाश को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। बेफिक्र हो जाओ, उसे सजा मिलेगी। दुआ करना मेरे लिए। जी जरूर भाई, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। भाई हम भी चलते हैं। इस वक्त कुर्बानी के लिए एक ही इस्माइल दरकार है तुर्कुत भाई, वही करना जो कहा है। याद रखना मेरे शेरों, अल्लाह ही है जो हर तदबीर पर कुदरत रखता है। अल्लाह की हिफाजत में। मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ काया। तू तक इनके बारे में कोई खबर मिली क्या? कोई खबर नहीं, हर जगह ढूंढ लिया हमने, कोना कोना छान मारा, लेकिन कामयाबी नहीं हुई, कोई सुराग ना मिल सका। सरदार को यही बताने आया था। ठीक है, मैं सरदार को खबर दे दूंगी, तुम जा सकते हो काया। क्या बताने आए थे तुम मुझे, बताओ सिपाही काया?
मेरे बेटे की कोई खबर मिली? तो तकिन भाई की कोई खबर नहीं मिल सकी। तुम ढूंढ नहीं पाए उसे? ना जिंदा ना मुर्दा? बताओ मुझे काया, बताओ बताओ, मुनासिब है क्या? ये मुनासिब है कि उसके सिपाहियों ने उसकी शादी से पहले ही उसे दफन कर दिया? क्या ये करते हुए शर्म नहीं आई उन्हें? हाँ, तुम वापस ही क्यों लौटे? उसे ढूंढे बगैर क्या उसे जमीन निगल गई अपने अंदर? तुम वापस ही क्यों लौटे उसे लाए बिना? क्या तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने मेरे बेटे की लाश को उन भूखे भेड़ियों के आगे छोड़ दिया काया? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सरदार 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 सरदार, सरदार। चले, आपको आराम की जरूरत है। जाओ ढूंढो उसे, ढूंढो। ठीक है काया, तुम जा सकते हो। आज के बाद मैं अपनी बहन और नकाई कबीले को देखना चाहता हूँ। जाना होगा उन्हें, जाना होगा। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो अगर मुझे यहां कोई नजर आया तो मैं सबको मार डालूंगा, सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो तकिन को अगर मैं अर्तुरुल के बारे में ना बताती तो ये ना होता। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं गोगचे, तुमने जो किया सही किया, अल्लाह उसकी मदद करेगा। के सिपाही वो सब यही आ रहे हैं, वो सब बहुत गुस्से में है वालिदा। वालिदा, कोरकुत मामू मर जाएंगे, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। अर्तुरुल ने सिर्फ तूतकिन को नहीं मारा, कोरकुत मामू को भी मार दिया है। तलवारें उठाओ अपनी, अपना दिफा करने की जरूरत पड़ सकती है, जल्दी करो। ये आवाजें कैसी हैं भाई? लगता है लोगों का सब्र जवाब दे गया। बाबा जान, पुप्पी जान, दो दुर्गा के सिपाही हाइमा खानम के खेमे की तरफ पेशकदमी कर। क्या ये अपने आप को इंसाफ का ठेकेदार समझते हैं? अब हम क्या करेंगे बाबा? कुंदोगदू को पहले ही इस बात का अंदेशा था, इसीलिए उन्होंने खेमे के चारों तरफ सिपाही तैनात कर दिए। बहुत खून बहेगा बाबा,
हर शह तबाह हो जाएगी। क्या करना है भाई, आप रोक सकते हैं इन्हें ऐसा करने से। रुक जाओ मेरे भाइयों, रुक जाओ। ये क्या कर रहे हैं, जरा सोचिए एक बार। अपनी रवायात को जज्बात में आकर पामाल मत कीजिए। वक्त आ चुका है अब अपना दिफा करने का। जब तक ये गद्दार यहाँ मौजूद हैं, कबीले में अमन सुकून नहीं रह सकता। रास्ते से हट जाओ आर्तुक, बहुत सुन चुके हम ये भाईचारे की कहानियाँ। अब सिर्फ इबरतनाक सजा ही इनका मुकद्दर है। आगे बढ़ो सिपाहियों। तुम्हारा मुकद्दर मौत है कोचाबाश। होश में आइए, कहाँ जा रही हैं आप? वालिदा, आपको इन कम अकल मुट्ठी भर सिपाहियों से बात करने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद जाता हूँ इनसे बात करने। सिपाहियों को पहले ही होशियार कर दिया, वो हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। जवाब दीजिए, कहाँ है हमारे सरदार का काफिल? हमारे सरदार को कत्ल किया है। जानती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों, ये आवाजें सुन रहे हो तुम? ये सब लोग मेरा सर चाहते हैं। मुझे भी उतना ही कसूरवार समझते हैं जितना अर्तुरुल को अपने सरदार के कत्ल के लिए। अब मजीद खून नहीं बहेगा, जाने दो मुझे। वालिदा, आप बाहर नहीं जाएंगे। ये लोग इंतकाम की आग में पागल हो चुके हैं। अगर आज किसी का खून बहेगा तो वो मेरा होगा, मेरे किसी सिपाही का नहीं। जाने दो मुझे। वालिदा, बंदूक तो ये क्या किया मैंने? या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? क्या मुझे तुम सब इस कबीले का गद्दार समझते हो, या फिर इस कबीले का खैर खास समझते हो? मुझे तुम सब इंसाफ के ख्वाहिशमंद हो ना, या फिर अपने जख्मों पर मरहम रखने के लिए अपने ही भाइयों का खून बहाना चाहते हो? कितना खून चाहिए जिससे तुम्हारी तस्कीन हो जाए? हाँ, तुम सब ये समझते हो कि तुम्हारे सरदार के कत्ल में अर्तुरुल शामिल है? अगर उसकी माँ का खून तुम्हें तस्कीन दे सकता है किसी भी सिपाही का खून बहाए बगैर, तो फिक्र ना करें, इस मामले को अभी और इसी वक्त खत्म करें। हाजिर हूँ मैं। हलाल करती हूँ मैं अपना खून। वालिदा,
हम सब यहाँ इंसाफ तलब करने आए हैं। रिवायत के मुताबिक हमें खून के बदले खून चाहिए। उस अर्तुरुल की वजह से हमारी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। हमारे कितने सिपाही शहीद हो गए। गाई कबीला गद्दारों की अमाजगा बन गया। सही कहा, सही कहा। हमें बस इंसाफ चाहिए। गद्दार भेड़िये, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। बस बहुत हो गया। ये क्या कर रहे हो तुम? इस गर्व को मजीद बढ़ाना चाहते हो क्या? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा सरदार मारा गया, तुम अपने भाइयों का खून बहाना चाहते हो? तुम्हें अपने इंतकाम की आग बुझाने के लिए कितने कबाइली भाइयों का खून चाहिए होगा? हाँ, 10, 15, 100, 200 या और ज्यादा? फिर तुम्हारी नफरत की आग बुझ जाएगी। ये कैसी इंतहा पसंदी है? क्या अपनी रिवायात को भुला दिया है? तकिन मेरा भी बेटा है। वो उस बाप का भी बेटा है जो अपनी इकलौती औलाद का सदमा बर्दाश्त कर रहा है। मैं बखूबी जानती हूं कि ना तो मैं और ना ही तू तकिन के बहादुर सिपाही उसके खून को रायगा जाने देंगे। लेकिन तुम लोग कैसे अपने सरदारों को अदालत के कठेरे में खड़ा कर सकते हो जबकि तुम लोग हकायक के बारे में कुछ नहीं जानते हो? अपनी हुदूद पार ना करो, वरना याद रखना कि तुम में और तू तकिन के कातिलों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अर्तुरुल कहाँ रह गए? बताओ कहाँ है? वो वहां कबीले की तरफ चले गए, हम उन्हें रोक नहीं पाए। तुम लोग उन्हें अकेला कैसे छोड़ा है?
किया जो मुनासिब था बेटी। वो लोग उन्हें मार देंगे देली देवीर, आप जानते हैं। वो लोग उन्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। यही जंग है बेटी। कभी कभी मुजाहिद को जीत की खातिर दुश्मन के झुंड में घुसना पड़ता है, चाहे वो जख्मी ही क्यों ना हो। अर्थरुल ने अपना फर्ज पूरा किया है और हम अपना फर्ज पूरा करेंगे। वो कबीले गया है अदल व इंसाफ की सरबलंदी के लिए और हम कोनिया जाएंगे अर्तकुश की वसीयत को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए। तुम इस जंग में शामिल होना चाहती थी ना, तो अब वक्त आ गया है। या फतह नसीब होगी या शहीद हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलो बेटी, हमें एक तवील सफर तय करना है कोनिया पहुंचने के लिए। तलवारें ध्यान में रखो और खेमों में जाओ, अपने हथियार नीचे करो। अपने ये मामला जिरगे में हल होगा, जाओ यहां से। कोई अहमियत नहीं इन अल्फाज की, हमें सिर्फ अपने सरदार का कातिल चाहिए। इन लोगों को जो करना था वो हमारे साथ कर चुके हैं। गद्दारों का ठिकाना जहन्नुम है। 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 अर्तुरुल, कितने जालिम हो तुम,
पहले मेरी औलाद को मार दिया और अब उसका सिपाही। लानत हो तुम पर। वालिदा, सारे सिपाही पीछे हट जाओ। तलवारें नीचे करो अपनी। सुना नहीं, तलवारें नीचे करो अपनी। कोरकोट, अगर मेरी वालिदा को कुछ हुआ तो याद रखना, मैं तुमसे इसकी बहुत बड़ी कीमत वसूल करूंगा। आराम से भाई, आराम से। वालिदा, तुम कबीले वापस आ गए। मरने से पहले देख लिया तुम्हें, शुक्र है अल्लाह का। मैं यही हूं वालिदा, आप फिक्र ना करें, आपको तन्हा कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। अर्थरुल, माफ कर देना, माफ कर देना मुझे। वालिदा, 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 हमें छोड़कर ना जाए। जरा मुझे जगह दीजिए। सलजान खातून, आप मेरी मदद करें। बंदूक तो बाहर जाए, जल्दी करें। अर्तुरुल भाई बाहर जाइए, जल्दी करें। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, रहम कर नाम पर या रब। जल्दी करें, बाहर जाए। गोकचे गर्म पानी लेकर आओ। आराम से, आराम से, जल्दी करो, जल्दी। या मेरे अल्लाह, ये क्या कर दिया मैंने? अपनी बहन को मार दिया, अपने हाथों से अपनी बहन को मार दिया। शुक्र कीजिए कि वो अपनी जान से नहीं गई। आप खुद को हलकान मत करें। क्या हुआ? क्या मेरे बेटे को ढूंढ लिया सिपाहियों ने? मजीद सिपाहियों को भेजो, चप्पे चप्पे पर तलाश करो उसे, समझे तुम? परेशान ना हो कोरकुट भाई, हर जगह तलाश किया जा रहा है तूतकिन को। 50 सिपाहियों का दस्ता शुमाली पहाड़ों की तरफ रवाना किया है मैंने। रात में भी उसे ढूंढने के लिए तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली है हमने। ये सब अर्तुरुल की वजह से ही हुआ है, वो नहीं सुधरेगा। मैंने अपने बेटे की इतनी परवाह नहीं की जितनी उसकी की है।
उसने हमारा बेहतरीन सिपाही हमारी आंखों के सामने मार दिया। मार दूंगा उसे मैं। सरदार, पहले तो आप पुरसुकून हो जाएं। हमें हाइमा के ठीक होने का इंतजार करना होगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तीर अब कमान से निकल चुका है, या हम अर्तुरुल को हासिल कर लें या खून खराबे के लिए तैयार रहे। सरदार, 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 हलीमा बहन, आप परेशान ना हो, अर्तुरुल भाई के पास यकीनन कोई मंसूबा होगा। या अल्लाह सब्र दे। परेशान ना हो बेटी, मैं और ये जंगजू अर्तुरुल की अमानत का ख्याल रखेंगे। कैसी अमानत? दुआन भाई, जहां भी अमानत होती है कोई ना कोई मुश्किल जरूर होती है। कोई मुझे भी बताएगा ये अमानत आखिर है क्या? अमानत के बारे में जल्द जान जाओगे। चलिए बाहर चल के देखते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए हजरत? तुम्हें फौरन कोनिया रवाना होना चाहिए। अल्लाह मददगार रहे। अर्तुरुल की लाश का पता करने आए हो क्या? सादतीन कोपेक ने आपको सलाम भेजा है। सोना चाहिए क्या उसे फिर? हर सलाम के अवज 10,000 सोने के सिक्के। आखिर कब खत्म होगी उसकी ये? नुयान मत भूलो, तुम हमारे बगैर अर्से रूम नहीं पहुंच पाते कभी। क्या चाहिए उसे? कुछ नहीं, सुना है अर्तुरुल कबीले वापस चला गया है और कोजाबाश को बेरहमी से मार दिया उसने। हमें रिजापे बात करना है उससे। तो ये बात है। मैंने बाज को उसके पिंजरे में वापस भेज दिया है। अगर दोबारा नाकाम हुए तो याद रखना, भारी कीमत अदा करनी होगी तुम्हें और तुम्हारे उस सादतीन कोपेक को। समझ गए? कोपेक अपने साथ होने वाले सलूक को फरामोश नहीं करता कभी। देखा जाएगा, देखा जाएगा। बादशाह, बहुत वफादार थे तुम तो। बिलाखिर अर्तुरुल ने उसका सर कलम कर ही दिया। बहुत याद आओगे तुम। खामोश क्यों हो तुम?
शुरू हो जाओ, बजाओ ताकि मुकद्दस रूहों के साथ साथ हमें भी सुकून आ जाए। जान के निकलने तक बजाते रहो लुबिल जी। बाजो, मैं तुम्हें जब फराइज की अंजाम दही करते देखता हूं तो कश्तियां जलाने वाला तारिक बिन ज़ियाद याद आता है। उसकी दास्तान सुनी है तुम लोगों ने? हाँ सुनी है, मतलब नाम सुना है, ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। अगर मैं कहता नहीं सुना तो शर्मिंदगी होती ना। तारिक बिन ज़ियाद दुनिया इस्लाम का एक बहादुर जंगजू था। वो मेरी जाए पैदाइश हिंदुस का फातेह था। तारीख में बहुत से ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने मुल्कों और शहरों को फतह किया, लेकिन तारिक बिन ज़ियाद का मकाम इन सबसे मुख्तलिफ है। जब उसने हिंदुस को फतह करने की नीयत से उसका रुख किया और एक यादगार तारीख रकम कर दी, बहरह रूम को इस मारके का कतन इल्म न था। जब वो अपने सिपाहियों के साथ अंदलुस के साहिल पर पहुंचा तो उन्हें जंग के लिए आमादा किया और उसने नारे तकबीर बुलंद किया। उसकी आवाज की गूंज अंदलुस में एक सुनहरे दौर की इब्तिदा साबित हुई। हाँ, ऐसा क्या कहा था उस अजीम फातेह ने कि जिसकी वजह से एक नए दौर की इब्तिदा हुई? जब उन सिपाहियों ने दुश्मन की फौज का एक बहरे बेकरा देखा तो बहुत से सिपाही वापसी पर आमादा हुए, तो उनके उस अजीम सालार ने सारी कश्तियां जला डाली। बहरे रूम का पानी उन जलती कश्तियों की हिद्दत से गर्म हो गया। अब उन सिपाहियों के पास वापस लौटने का कोई जरिया न था। अंदलुस को फतह होना था या उन सब की शहादत थी। उस अजीम सालार ने अपने सिपाहियों को मुखातिब करके कहा, अकब में हमारे समंदर है दुश्मन की तरह और हमारे सामने दुश्मन खड़ा है समंदर की तरह। सदाकत और सब्र के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। या तो अपनी तलवारों से दुश्मन के खून का दरिया बहा दो या फिर ये समंदर तुम्हारे खून से सुर्ख हो जाएगा। कितना बहादुर सालार था, काश मैं भी शहीद हो सकूं। इंशाल्लाह, अगर आप अपने मकसद के हुसूल के लिए अपनी कश्तियां जला दें तो फतह आपकी होगी, फिर एक सुनहरा दौर शुरू होगा। अल्लाह ने चाहा तो हम भी वो दिन जरूर देखेंगे। और फिर अंदलुस की तरह इस सरजमीन पर भी बहार छा जाएगी। अगर तुम अपनी कश्तियां जलाने में कामयाब हो गए तो फिर इन जमीनों पर हर सू बहार ही बहार होगी इंशाल्लाह। अगर इस सूरत हाल को हम अपने काबू में ना कर सके आयतुलन, तो सरदारी का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अगर तुमने अर्तुरुल की मालूमात तूतकिन तक ना पहुंचाई होती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। पहले वो दस्तावेज हासिल करना, फिर मार देना दोनों को। अगर अर्तुरुल से जान छुट गई तो सादतीन कोपे के इताब से बच जाएंगे हम। आपको इस काम के लिए गुंदोगतू को कायल करना होगा। सौदेबाजी मुझे बहुत पसंद आए दुल्हन।